हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस जॉब अलर्ट में, जहां हम लेकर आए हैं इसरो की तरफ से रिक्वायरमेंट। जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट इंडिया ने इसरो ISRO इसरो के अंदर जो है वैकेंसी निकाल दी है, जहां पर इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि ICRB की जो है वैकेंसी निकल गई है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर BE BTECH वाले जो है या इक्विवेलेंट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब अलर्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए होने वाला है। इसरो हम लोग जानते हैं एक बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेंटर्स के अंतर्गत आती है, जहाँ पर इसके 10 सेंटर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी है। तो कौन कौन, तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पर 90 वैकेंसी होने वाली है, जिनमें 65% से अधिक अंक मांगे गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए या 6.8 CGPA से ऊपर होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते तो यहाँ पर 163 वैकेंसी होने वाली है, सेम 65% से ज़्यादा होने चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट या कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 47 वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए सेम यहाँ पर 65% से अधिक BE BTECH में होने चाहिए या 6.84 CGPA होनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑटोनोमस बॉडी के लिए और कंप्यूटर साइंस में ऑटोनोमस बॉडी के लिए 2 व 1 पोस्टें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है वो पोर्ट ब्लेयर ग्राउंड स्टेशन के लिए दी हुई है, जहाँ पर हम लोग इनका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है हमारी, जो जो इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है, वहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 2022-23। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वह एज लिमिट हमारी जो है 14/6/2023 तक 28 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जो कैंडिडेट PWBD या उसमें आते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी दे रखी है, जो कि एक्ट 2016 के हिसाब से होने वाली है। फिर यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि जो भी डिसेबिलिटी का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो कि दे रखा है। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, तो जो कि ₹250 रखा गया है। यदि यदि कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करता है तो उसको उसके हिसाब से अलग अलग बार पेमेंट करनी होगी। फिर यदि कोई कैंडिडेट जो है इमिडिएटली अगर पेमेंट करना चाहता है, तो वो इसरो की वेबसाइट पर जाकर मेक पेमेंट में जाकर अपने पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की आपको प्रोसेस जो है वो दी हुई है। यहाँ पर जो भी वुमन है, SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इनके पास सबसे पहले रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इनके सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर जो क्वेश्चन पेपर या रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर सबसे पहले सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, जो कि 2 पार्ट्स में होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन ए और बी पार्ट्स में होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। यहाँ पर कैंडिडेट के पास जो है 80 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर जो पार्ट बी होगा, पार्ट ए में 80 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक, और यहाँ पर पार्ट बी में 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, जिसके अंदर जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या होगा, 1:5 यहाँ पर लिया जाएगा, जहाँ पर जो है 1:5 कैंडिडेट को लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट को, जो है पार्ट ए के अंदर जो है यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 50-50% मार्क्स और टोटल 60% लाने होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 40% मार्क्स लाने होंगे। टोटल 50% मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू को मिलाकर है। पेमेंट की बात कर लेते तो पेमेंट स्केल जो है वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स के हिसाब से 56,100 रुपये जो है वो दी जाएगी। उसके अलावा HRA, DA और ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब अलग है। के लिए यहाँ पर सेकंड क्लास ट्रेन का फेयर जो है दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। फिर उस कैंडिडेट को जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर आना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात कर लेते तो इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 25/5/2023 है।
क्लोजिंग डेट जो होने वाली है वो 14/6/2023 होने वाली है, और पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 16/6/2023 रखी गई है। और इससे अधिक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसरो की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था एक जॉब अपडेट जो कि इसरो की तरफ से आया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जॉब अपडेट्स को फास्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। हरे कृष्ण।